स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम पीडी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का लेक्चर 2 देखेंगे। अब देखो, लेक्चर 1 में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने क्या देखा था, कंपैटिबल, और थोड़ा बेसिक किया था इसके बारे में। क्या होता था उसके अंदर कि अगर हमारा कोई भी कंपैटिबल प्रूव करना है तो हमारी इक्वेशन होती थी एक एफ जी टाइप की, ये उसको ज़ीरो बनाना होता था। ये लेक्चर करने से पहले लेक्चर 1 देख लो, वो अच्छे से होने के बाद आपको ये अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा कि शो करो जो ये इक्वेशन है जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई इज़ कंपैटिबल। जो हमारी ये इक्वेशन है वो कंपैटिबल है विद एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन इसके साथ, विच इज़ होमोजीनियस इन एक्स वाई जेड। क्या है हमारे पास, क्या होता था जब भी हमें कंपैटिबल प्रूव करना होता था कि हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, एक तो f ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू एंड एक g ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू। तो f ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू तो इन्होंने इक्वल टू जीरो करके दे रखी है, और ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, g ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू। तो हमने क्या लिख दिया, पी एक्स प्लस क्यू वाई, उसको उधर लेके चले गए माइनस ऑफ जेड, तो इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब इन्होंने बोल रखा है इस वाले इक्वेशन के बारे में कि जो ये इक्वेशन है ना वो होमोजीनियस है इन एक्स वाई जेड। अब देखो, जैसा कि हमें पता है कि जो इक्वेशन 1 इज़ होमोजीनियस डिग्री ऑफ n, हमने क्या ले लिया कि जो हमारी डिग्री हमने अपनी मर्जी से ली है n, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अपने अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती है, क्या है वो होमोजीनियस है। लेकिन और जब होमोजीनियस होती है तो उसके अंदर हम यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, x इंटू कर्ल एफ अपॉन कर्ल x प्लस y इंटू कर्ल एफ अपॉन कर्ल y प्लस z इंटू कर्ल एफ अपॉन कर्ल z इज इक्वल टू एन एफ होता है। ये n है हमारा ऑर्डर जो भी उस इक्वेशन का होगा। जब भी हमारा इस टाइप से बोल रखा है कि जो होमोजीनियस टाइप का है, कि जो हमारे ये फंक्शन है, ये इक्वेशन होगी वो होमोजेनियस है इन एक्स वाई जेड के टर्म में, तो होमोजेनियस होगा तो हम उस पर यूलर्स थ्योरम लगा सकते हैं, और यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा ये हो गया। देन हमारी एफ की वैल्यू तो क्या है, ज़ीरो, मतलब कोई भी फंक्शन जो एक्स वाई जेड पी क्यू की फॉर्म में है वो क्या है, ज़ीरो। तो हमारे यहाँ एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो ये किसके इक्वल आ गया, हमारा ज़ीरो के इक्वल आ गया। अब हमारे पास एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। अब देखो क्या बोल रखा है इन्होंने कि एक तो ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, और आपको क्या प्रूव करना है, कंपैटिबल प्रूव करना है। तो अगर आपको कंपैटिबल प्रूव करना है तो उसके लिए आपकी ये इक्वेशन होती थी एफ जी, उसको हमें किसके इक्वल प्रूव करना था, ज़ीरो के इक्वल। जी एफ जी है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल। क्या होता था, ऊपर तो सारे एफ जी होते थे, नीचे एक्स पी जेड पी, जब भी जेड के साथ आता था तो पी के साथ यहाँ भी पी आता था, उसके बाद यहाँ वाई क्यू एंड जेड क्यू होता था, और जेड के साथ क्यू होता तो इधर भी क्यू। ये हमने इस तरीके से कुछ फॉर्मूला लर्न किया था हमारा। उसके बाद अभी हमें एक एक करके ये सारी टर्म्स निकालनी होंगी और देन हम इसके अंदर पुट कर देंगे। ओके, तो देखो कर्ल एफ जी अपोन कर्ल एक्स पी किस तरीके से निकालेंगे, कर्ल एफ अपोन कर्ल एक्स, कर्ल एफ अपोन कर्ल पी, कल जी अपॉन कर्ल एक्स एंड कल जी अपॉन कर्ल पी। इस तरीके से हम इस जैकोबियन फंक्शन को, इसको हम क्या बोलते हैं, जैकोबियन फंक्शन, उसको हम क्या करते थे, सॉल्व करते थे। ओके, तो कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स, देखो क्या है हमारे पास, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, दो इक्वेशन दे रखी थी हमारी, और उसमें क्या हो गया था, वैल्यूज आ गई थी कुछ, लेकिन यहाँ पे हमारी क्या है, इक्वेशन नहीं दे रखी, तो हमारा जो कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स है वो यूँ का यूँ रहेगा, उसका कुछ सोल्व नहीं होगा, और कर्ल एफ अपॉन कर्ल पी भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन कर्ल जी अपॉन कर्ल एक्स तो हो सकता है ना, जी का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, पी, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, तो यहाँ क्या आ गया, पी। अगर जी का पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस जीरो प्लस जीरो, तो देन यहाँ एक्स आ गया। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो डिटरमिनेंट सोल्व करते तो ऐसे ही करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस ऑफ इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो x ऑफ कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स माइनस ऑफ पी इंटू कर्ल एफ अपॉन कर्ल पी, हमारा ये आ गया। ओके, देन हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या, कर्ल एफ जी अपॉन कर्ल जेड पी को सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड, कर्ल एफ अपॉन कर्ल पी, कर्ल जी अपॉन कर्ल जेड, कर्ल जी अपॉन कर्ल पी। सिमिलर हम ये तो एज इट इज़ रखेंगे एंड कर्ल जी अपॉन कर्ल जेड निकालेंगे, तो इसका z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते ही ये टर्म तो जीरो हो जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ वन, तो इधर माइनस ऑफ वन आ गया। कल जी अपॉन कल p निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते ही x आ जाएगा, तो इधर x आ गया।
देन हम डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ एक्स कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कर्ल एफ अपॉन कर्ल पी। देन हम थर्ड टर्म निकालेंगे ये वाली, तो हमने ये लिखी क्या होगा, कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई, कर्ल एफ अपॉन कर्ल क्यू, कर्ल जी अपॉन कर्ल वाई, कर्ल जी अपॉन कर्ल क्यू। देन ये वैल्यू तो हमारी एज इट इज़ रहेंगी, और कर्ल जी अपॉन कर्ल वाई की वैल्यू क्या आएगी, देखो जी का अगर वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, क्यू आएगा, और जी का अगर क्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वाई आ जाएगा, तो ये वाई आ गया। देन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। देन हम फोर्थ टर्म निकालेंगे ये वाली, हमने लिख ली कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड, कर्ल एफ अपॉन कर्ल क्यू, कर्ल जी अपॉन कर्ल जेड, कर्ल जी अपॉन कर्ल क्यू। ये वाली टर्म्स हमारी एज इट इज़, जी का अगर जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस वन आएगा, जी का अगर क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा, वाई। देन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो वाई ऑफ कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड माइनस ऑफ कर्ल एफ अपॉन कर्ल क्यू, एक और माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ओके, तो ये हमारा प्लस आ गया। देन हम क्या करेंगे, जो ये सारी के सारी इक्वेशंस आई हैं अब हमारी, वो हमने इनकी वैल्यू तो निकाली है तो इसमें पुट कर देंगे। तो देखो एफ जी हमारा क्या हो जाएगा, ये टर्म प्लस पी इंटू जो हमारी ये वाली टर्म आई है, प्लस ये थर्ड टर्म हमारी, प्लस क्यू इंटू जो हमारी ये टर्म है ये। ओके, अब हमने ये सब लिख लिया, x ऑफ कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स माइनस पी कर्ल एफ अपॉन कर्ल पी, मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, पी एक्स कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड प्लस पी कर्ल एफ अपॉन कर्ल पी प्लस वाई कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई माइनस ऑफ क्यू कर्ल एफ अपॉन कर्ल क्यू प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू वाई कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड प्लस क्यू कर्ल एफ अपॉन कर्ल क्यू। ओके, तो अब देखो जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे। देखो कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, एक तो हमारी ये कैंसिल हो रही है पी वाली, एक हमारी क्यू वाली भी कैंसिल हो रही है। अब जो टर्म्स बच गई हैं वो हम लिख देंगे एक्स ऑफ कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स प्लस वाई ऑफ कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई। उसके बाद जो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, इसमें देखो कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड कॉमन आ रहा है तो वो हमने लिख दिया एंड पी एक्स प्लस क्यू वाई हमारा हो गया। ओके, अब देखो एक्स कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई आ गया, पी एक्स प्लस क्यू वाई हमारा इक्वेशन, इससे पी एक्स प्लस क्यू वाई, देखो पी एक्स प्लस क्यू वाई किसके इक्वल है, जेड के इक्वल नहीं दे रखा है हमें, गिवन ही है, तो इसकी जगह हम जेड लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, तो हमारी ये टर्म आ गई। देन हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था जब हमने होमोजीनस लिया था कि इसकी वैल्यू तो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो हमारा जीरो आ गया। अगर हमारा एफ जी जीरो आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो हमारा सिस्टम है वो इक्वेशंस का वो कैसा है, कंपैटिबल है, और हमें क्या ही प्रूव करना था इसके अंदर, कंपैटिबल ही प्रूव करना था, तो हमारा कंपैटिबल प्रूव हो गया। बस इसमें एक ही अलग बात थी कि जो फंक्शन की ये एफ वाली की टर्म्स ऐसे इक्वेशन ना देके उन्होंने ये बोल दिया कि होमोजीनियस है, और होमोजीनियस है तो हम उसके ऊपर यूलर थ्योरम लगा देंगे, ये वाला रूल बन जाएगा, देन एफ हमारा जीरो हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। आगे तो हमने जो पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरीके से ये भी सॉल्व किया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शो दैट द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई पी क्यू, देखो इसमें क्या है, जेड नहीं है, इस टाइप से इक्वेशन दे रखी है हमें कि एक्स एफ ऑफ एक्स वाई पी क्यू इज इक्वल टू जीरो है और जी ऑफ एक्स वाई पी क्यू इज इक्वल टू जीरो, वो क्या है, कंपैटिबल हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि ये कंपैटिबल होंगे, तब होंगे जब ये वाली टर्म हमारी जीरो के इक्वल होगी। क्या है, इन्होंने बोल दिया कि ये टर्म्स हमारी कंपैटिबल जब होंगी, जब ये टर्म्स हमारी जीरो के इक्वल होंगी, हमें ये प्रूव करना है। ओके, तो हमें ये टर्म दे रखी है जीरो और ये भी हमें जीरो दे रखी है, तो ये हमने इक्वेशंस ले ली। अब ये हमने इतना लिख के रख दिया। अब देखो अकॉर्डिंग टू हमारी कंडीशंस क्या होती थी, कि हमारी कंडीशन तो क्या होती थी कंपैटिबिलिटी की, कि हमें ऐसे दो इक्वेशन दी होती थी, एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू जीरो और जी ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू जीरो। देन हमारा कंपैटिबल कब होता था, जब एफ जी के इक्वल जो हमारी टर्म है ना वो जीरो के इक्वल हो जाए, है ना। लेकिन हम इन दो इक्वेशंस में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इनके अंदर तो जेड है ही नहीं, और इनके अंदर अगर जेड नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड और कर्ल जी अपॉन कर्ल जेड क्या हुआ, ज़ीरो हो गए, क्योंकि इसके अंदर तो जेड है ही नहीं। तो अगर हम कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड करेंगे और कर्ल जी अपॉन कर्ल जेड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ओके, हमें इतना इससे पता चल गया। देन अब हम क्या करेंगे, वही टर्म्स निकालेंगे, कौन सी सारी की सारी
देखो हमें प्रूव क्या करना है कि हमारी ये टर्म जीरो के इक्वल आ जाएंगी, मतलब एफ जी एक्स पी ये वाली टर्म तो हमें चाहिए आंसर के अंदर, कर्ल एफ जी वाई क्यू ये वाली टर्म भी चाहिए हमें आंसर के अंदर, यही तो हमें जीरो के इक्वल प्रूव करनी है। तो हम निकालेंगे कौन सी टर्म, ये और ये टर्म हम निकाल लेंगे। ओके तो देखो क्या हुआ हमारा, कर्ल ऑफ एफ जी कर्ल ऑफ जेड पी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड, कर्ल एफ अपॉन कर्ल पी, कर्ल जी अपॉन कर्ल जेड एंड कर्ल जी अपॉन कर्ल पी, ये आ गया हमारा। उसके बाद हमने अभी देखा था कि जेड तो मिसिंग है, मिसिंग है तो कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड जीरो हो जाएगा और कर्ल जी अपॉन कर्ल जेड भी जीरो हो जाएगा, और ये टर्म एज इट इज़ जीरो इंटू समथिंग माइनस जीरो तो क्या हो गया, जीरो ही हो गया। सिमिलरली अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड कर्ल एफ अपॉन कर्ल क्यू, कर्ल जी अपॉन कर्ल जेड कर्ल जी अपॉन कर्ल क्यू, देन इसकी वैल्यू जीरो इसकी वैल्यू जीरो एंड जीरो इंटू जीरो जीरो इंटू समथिंग जीरो माइनस वही जीरो तो क्या आ गया, जीरो आ गया यहाँ पे। मतलब इसकी टर्म हमने जब सोल्व करी, इसकी टर्म जब हमने सोल्व करी और इसकी टर्म जब हमने सोल्व की तो क्या आ गई, जीरो जीरो आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, दिस प्लस दिस हमारा किसके इक्वल बच जाएगा, जीरो के इक्वल बच जाएगा। और यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्या बोल रखा है इन्होंने कि शो करो ये इक्वेशन कंपैटिबल तब होंगी तब ये वाली टर्म जीरो के इक्वल आ गई, मतलब कंपैटिबल की कंडीशन तो हमें लेके चलनी है इसके अंदर, ये होती है हमारी कंपैटिबल की कंडीशन। तो हम ये कंडीशन लेके चल पड़े और हमें प्रूफ में भी हमने देख लिया कि ये दो टर्म्स हैं, तो हमने इन दो टर्म्स की तो वैल्यू निकाली ही नहीं, हमने तो इसकी और इसकी वैल्यू निकाल दी। और ये वैल्यू कैसे निकल गई, हमें कैसे पता चल गया, क्योंकि जेड तो इसके अंदर मिसिंग था, तो कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड जीरो होगा और कर्ल जी अपॉन कर्ल जेड भी जीरो होगा, उस वजह से हमारी ये टर्म्स भी जीरो हो गई और ये टर्म जीरो हो गई, तो इन दोनों का सम जीरो के इक्वल आ गया और यही हमें प्रूव करना था, तो प्रूफ भी हमारा हो गया। ओके अब जो ये दो क्वेश्चन किए हैं हमने, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना लेक्चर वन के अंदर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, किसके लिए, जो हमारे ज़्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है उसके लिए, और जो कंपलसरी के लिए है वो हमारा ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता ही है लगभग कंपैटिबल का एक क्वेश्चन कंपलसरी के अंदर। तो ओके तो देखो क्या है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर कंपैटिबल और नॉट। क्या एग्जामिन करना है कि हमें जो सिस्टम है पीडी इक्वेशंस का वो कंपैटिबल है या नहीं, अगर वो कंपैटिबल है तो उसका कॉमन सॉल्यूशन भी निकालो, इफ़ इट इज़ कंपैटिबल देन फाइंड देयर कॉमन सॉल्यूशन आल्सो। ओके तो हमें ये इक्वेशन दे रखी है कि ये इक्वेशन दे रखी है। अब देखो जो कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स होता है वो हमारा क्या होता है, पी होता है कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स, और क्यू हमारा क्या होता है, कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो ये हो गया। अब देखो मैंने आपको बेसिक के अंदर भी बताया था, एक बार और देखो कि अगर हमारे कोई ऐसे टाइप की इक्वेशन दे रखी हो जैसे 7x प्लस 18y माइनस 1, 9x प्लस 11y माइनस 2, और ये बोल दें कि कंपैटिबल इसको प्रूव करो और पी क्यू की टर्म में है, तो हम क्या करते हैं, जो पी का है उसका तो वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं और क्यू वाले का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। अगर वो दोनों टर्म इक्वल आ जाए तो वो कंपैटिबल, और इक्वल ना आए तो नॉट कंपैटिबल हो जाता है। ओके तो अब देखो हमें ये इक्वेशन दे रखी है कि ये इक्वेशन दे रखी है, कल जेड अपॉन कल एक्स हमारा पी होता है, मतलब पी इज इक्वल टू दिस दे दिया, कल जेड अपॉन कल वाई हमारा क्यू होता है, तो क्यू इज इक्वल टू दिस हमारा हो गया। देन हमें क्या बोल दिया हमने कि ये कंपैटिबल तब होंगे जब कर्ल पी अपॉन कर्ल वाई एंड कर्ल क्यू अपॉन कर्ल एक्स इक्वल हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, पी वाले का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, जब हम इसका वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो इससे उस टर्म का तो जीरो हो जाएगा और क्या आ जाएगा, 18 इधर, और क्यू वाले का अगर हम स्मॉल क्यू लिखो इधर, अगर क्यू वाले का हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, लेकिन 9 और 18 तो इक्वल होते नहीं हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये टर्म है हमारी कंपैटिबल नहीं है, वो क्या हो गई, नॉट कंपैटिबल। ओके अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखो क्या है, ये आपकी बुक में थोड़ा अलग कर रखा है, मैं इजी तरीका करवा रही हूँ, ऐसे कर लेना, दोनों पार्ट सेम हो जाएंगे आपके। देखो क्या है, पी की वैल्यू हमारी ये दे रखी है और क्यू की वैल्यू हमें ये दे रखी है, फिर अभी मैंने बताया था पी वाले का तो वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है और क्यू वाले का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। जैसे ही हम इसका वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 3, और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 3,
माइनस ऑफ जीरो। देन हमने देखा कर्ल पी अपॉन कर्ल वाई की वैल्यू कर्ल क्यू अपॉन कर्ल एक्स के इक्वल आ गई, और अगर इक्वल आ गई तो इसका मतलब क्या हो गए, ये क्या हो गए हमारे कंपैटिबल हो गए। इन्होंने बोला था कि ये एग्जामिन करो कि कंपैटिबल है या नहीं, अगर कंपैटिबल है तो कॉमन सॉल्यूशन भी निकालो। मैंने आपको क्वेश्चन में निकालना सिखाया था कि कॉमन सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इस तरीके से हम निकालते हैं हमारा कॉमन सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें पी की वैल्यू भी गिवन है, क्यू की वैल्यू भी गिवन है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो डी जेड इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है, सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, थ्री एक्स माइनस ऑफ फोर वाई डी वाई, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो क्या आ जाएगा, डी जेड इज इक्वल टू सिक्स एक्स इंटू डी एक्स प्लस थ्री वाई इंटू डी एक्स प्लस थ्री एक्स डी वाई माइनस ऑफ फोर वाई डी वाई, सिक्स एक्स डी एक्स एज इट इज़ प्लस इन दोनों में से थ्री कॉमन आ रहा था वो हमने ले लिया, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस ऑफ फोर वाई डी वाई, डी जेड इज इक्वल टू सिक्स एक्स डी एक्स प्लस थ्री डी ऑफ एक्स वाई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो अगर हम डेरीवेटिव ऑफ एक्स वाई करें तो वो क्या होगा, जैसे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड का डेरीवेटिव डी वाई प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ और एक्स का डेरीवेटिव डी एक्स, मतलब हम इसको बंद करके इस तरीके से लिख सकते हैं, तो हमने ऐसे लिख दिया माइनस ऑफ फोर वाई डी वाई। ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि अब हम इंटीग्रेशन करेंगे और डायरेक्ट इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन कैंसिल हो जाता है, तो इस वजह से हमने ऐसा किया है। देन जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा जेड, क्योंकि डेरीवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिक्स, और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस थ्री, डेरीवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, थ्री ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ फोर वाई डी वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन टू, एंड इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट हम लिख देंगे। देन देखो क्या हो गया, जेड इज इक्वल टू टू थ्री या सिक्स, तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई माइनस ऑफ टू वाई स्क्वायर प्लस सी, एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल सिमिलर टाइप का जैसे हमने सेकंड पार्ट किया, इसका हम वाई वाले वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और क्यू वाली इक्वेशन का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। जैसे ही हम इसका वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो कर्ल पी अपॉन कर्ल वाई हमारा क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म्स जीरो हो जाएंगे। सिमिलर कर्ल क्यू अपॉन कर्ल एक्स हमारा क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, और ये टर्म्स जीरो हो जाएंगे। फिर हमने देखा कि कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई तो और कर्ल क्यू अपॉन कर्ल एक्स तो इक्वल हैं, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब हमारा ये क्या हो गया, कंपैटिबल हो गया। और जब हमारा कंपैटिबल है तो अब हम इसको इसका कॉमन सॉल्यूशन भी निकालेंगे, किस तरीके से, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई से, और इसके अंदर पी की वैल्यू पुट कर देंगे और क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे। देन हमने पी क्यू की वैल्यू पुट कर दी। सिमिलरली डी जेड इज इक्वल टू ए एक्स डी एक्स प्लस एच वाई डी एक्स प्लस जी डी एक्स, इसकी मल्टीप्लाई कर दी अंदर। सिमिलर डी वाई की भी हम इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एच एक्स डी वाई प्लस बी वाई डी वाई प्लस एफ डी वाई। ओके, देन डी जेड इज इक्वल टू ए एक्स डी एक्स प्लस इन दोनों में इसमें से और हमारा इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एच कॉमन आ रहा है, तो हमने बाहर ले लिया वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस जी डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई प्लस एफ डी वाई, हमने एज इट इज़ लिख लिया। देन डी जेड इज इक्वल टू ए एक्स डी एक्स प्लस एच, इसको हम ऐसे ओपन करके लिख सकते हैं, पिछले इस क्वेश्चन में भी हमने इसको ऐसे बंद करके लिखा था ना, सिमिलर हमने इसमें भी ऐसे ही कर दिया, प्लस जी डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई प्लस एफ डी वाई। देखो ये इससे कैसे लिख रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई हम कैसे करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव डी वाई प्लस सेकंड फंक्शन हमारा एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव डी एक्स, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं और इसको ये भी लिख सकते हैं, तो हमने इस वाले टर्म को इस तरीके से लिख दिया यहाँ पे, प्लस जी डी एक्स प्लस बी वाई डी वाई प्लस एफ डी वाई। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे क्योंकि हमें इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए, जेड की वैल्यू चाहिए, इस वजह से हमने क्या ले लिया, इंटीग्रेशन ले लिया। तो हमने इंटीग्रेशन लेते ही यहाँ क्या बन गया, जेड ए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो एच एक्स वाई प्लस जी ऑफ एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बाई टू प्लस एफ वाई प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। जेड इज इक्वल टू देखो इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से वन बाई टू कॉमन आ रहा है तो वो हमने ले लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर अंदर बच गया, प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी हमारा एज इट इज़ हमने लिख लिया, एंड दिस इज़ आर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो लेक्चर नंबर नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर करेंगे, और 3.1 तो हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। ओके, कोई डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट्स में बता देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you so much.